चलिए हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी अपनी अंगूरी शाही लबादार। तो इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम अंगूर बीज से कटा हुआ, ये हैं बादाम और काजू के थोड़े से टुकड़े, और ये है हमारी घर की फ्रेश मलाई 2 बड़े चम्मच, और ये है रेड चिली और ग्रीन चिली दोनों कटी हुई, और ये है अदरक ग्रेटेड, और ये है 2 टमाटर जिसकी प्यूरी बना ली है, और ये है काजू और बादाम, इसमें 5 बादाम और 5 काजू का पेस्ट है। उसके बाद ड्राई मसालों में ये है देगी मिर्च 1/2 टीस्पून, और नमक स्वाद अनुसार, और ये है जीरा, और ये है गरम मसाला, और ये है हमारा देसी घी 1/2 कप। तो शुरू करते हैं, फटाफट आपको बताते हैं कि ये रेसिपी कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी टेस्टी है। तो अब हम इसको बनाते हैं। चलिए अब हमारा गैस जो है वो गर्म हो गया, क्योंकि बर्तन जो था ना पैन जिसमें हमको बनाना है ये गर्म हो गया। अब हम इसमें ये 1/2 कप देसी घी डाल दिए, फिर गर्म हो जाए, फिर हम इसमें जीरा डालेंगे। ये सब्जी बहुत जल्दी फटाफट बन जाएगी, तुरंत बनाइए और तुरंत सर्व करिए। गैस थोड़ा सा धीरे करके फिर अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अदरक, इनको भी थोड़ा सा पका लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, ये 2 टमाटर की प्यूरी है, इसको हल्का सा आप लोग माइक्रोवेव करके और ग्राइंड कर लीजिएगा, बहुत अच्छी प्यूरी तैयार हो जाती है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक इसमें थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि शाही है तो थोड़ा स्वीटनेस रहेगी। देगी मसाला डाल दिया, अब हम गरम मसाला भी डाल दिए, और इसको हम चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आलमंड और काजू का पेस्ट, और अब डालेंगे हम इसमें ये अंगूर। इसमें चूंकि अदरक लहसुन इसमें प्याज और लहसुन नहीं पड़ता, इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा भूनने का कोई वो नहीं है, और ये बहुत जल्दी बन जाती है सब्जी। अब इसको हम 1 मिनट पक्का रखेंगे ढक कर के, ताकि थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद फिर हम इसमें बाकी सामान डालेंगे। देखिए इसका कलर कितना सुंदर आ गया है, अभी अच्छी तरह से मिक्स भी होगी। अब इसमें जो ये हमने बनाया था ना काजू और वो पेस्ट, उसे जो थोड़ा पानी था वो अब इसमें हम डाल देंगे। थोड़ी सी अब लबादार है अंगूरी लबादार, तो थोड़ा सा पानी होना चाहिए, ग्रेवी थोड़ी थिक। करीब 1/2 कप पानी मैंने डाला है। बस अब इसमें 1 चम्मच हम मलाई डालेंगे, और थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम, बस अब आपकी ये डिश रेडी हो गई। जब आप इसको सर्व करेंगे तो इसमें थोड़ी सी चिली ऐसे काट के डाल दीजिए। हमारा शाही अंगूर लबादार तैयार है।